हरिओम तत्सत। नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विशाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साप्ताहिक राशिफल जानने एवं अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं आपका विशाल शर्मा आज उपस्थित हुआ वृश्चिक राशि वालों के लिए मासिक राशिफल लेकर। जुलाई 2021 का ये राशिफल जुलाई माह आपके लिए क्या महत्वपूर्ण बातें, क्या महत्वपूर्ण उपाय लेकर आया है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे हम आज चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप अवश्य बने। जुलाई माह का ये वृश्चिक राशि वालों का राशिफल जानने के पूर्व हम पहले इस जुलाई माह में क्या व्रत और त्योहार पड़ रहे हैं उस बारे में जान लेते हैं। 5 जुलाई 2021 को योगिनी एकादशी है और 11 जुलाई से 18 जुलाई गुप्त नवरात्रि है। गुप्त नवरात्रि का बहुत ही बड़ा विशेष महत्व है। इस समय जो हम साधना करते हैं ये गुप्त साधना का समय होता है। इस गुप्त नवरात्रि में गुप्त साधना की जाती है जिसका परिणाम आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। और 24 जुलाई 2021 को गुरु पूर्णिमा है जो बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाई जाती है। इस दिन गुरुदेव की पूजा अर्चना करके उन्हें भेंट की जाती है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। गुरुदेव का होना जीवन में बहुत ही आवश्यक है। हमारे जीवन में गुरुदेव, माता के बाद गुरुदेव ही होते हैं जो हमें सही मार्गदर्शन, सही उपाय, सही रास्ता, हमें हर निर्देश देते हैं। उन्हीं की राह पर चल के हम आगे भविष्य में कुछ कर पाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपके अगर जीवन में गुरु नहीं है तो आप गुरु अवश्य बनाए। गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है जिससे आप सलाह मशवरा करके आगे बढ़ सके। अपने जो बातें जो फ्रेंड्स से और फैमिली में ना शेयर कर पाए वो अपने गुरु से बातें करके उस मुद्दे पे चर्चा करके आगे बढ़ पाए। जो भी निर्णय लेना है गुरु के मार्गदर्शन के चले जिससे भविष्य में आपको एक अच्छा सुखद परिणाम प्राप्त होगा। आप सभी को मैंने जुलाई 2021 का इस समय वृश्चिक राशि वालों का राशिफल बताने जा रहा हूँ। उसके पहले गृह गोचर की अगर हम बात कर लेते हैं, गृह गोचर की अगर हम बात करें, इस समय भाग में कर्क राशि का मंगल इस समय उपस्थित है। मंगल अपनी ही नीच राशि पे उपस्थित है, शुक्रदेव के साथ इस समय विराजमान है। मंगल अपनी ही नीच राशि पे भाग्य में उपस्थित होना बहुत ही चिंताकारक बनाएगा, देखिएगा। और इस समय अष्टम स्थान पे सूर्यदेव, अष्टम स्थान में मिथुन राशि के सूर्यदेव अपनी ही मित्र राशि के विराजमान है। और सप्तम स्थान पे राहु और बुधदेव विराजमान है। इस समय गुरुदेव देव गुरु बकरी हो चुके हैं। इस समय देव गुरु बकरी हो चुके हैं कुंभ राशि में। इस समय वो भी पंचम स्थान पे से निकलकर चतुर्थ स्थान पे बकरी हो चुके हैं। वृश्चिक राशि पे इस समय कुंभ राशि चतुर्थ स्थान पे रहेगी और शनि अपनी ही स्वयं की राशि जहाँ पर शश नामक महान योग बना रहा है वो कर्क राशि में उपस्थित होके मकर राशि में उपस्थित होके इस समय मकर राशि तृतीय स्थान पे उपस्थित है। तो ये गृह गोचर की स्थिति रही। अब मैं आप सभी को वृश्चिक राशि वालों का इस माह क्या महत्वपूर्ण बातें, क्या महत्वपूर्ण उपाय है वो सभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पूर्व मैं आपको एक चीज और बता दूं। देखिए, जब भी आप राशिफल देखें तो लग्न के आधार पर नहीं, राशि के अनुसार पे देखें। आज भी मुझे कमेंट बॉक्स में कई क्वेश्चन आते हैं कि जो मैं राशिफल बताता हूँ वो घटित नहीं होता। आपका राशिफल इसलिए नहीं घटित होता क्योंकि आप लग्न कुंडली पे आधारित राशिफल देख रहे हैं, जबकि ये राशिफल गृह गोचर अनुसार और राशि के अनुसार होता है। तो आप जब भी राशिफल देखें राशि के अनुसार देखें। देखिए, लग्न एक बॉडी की आकृति, एक स्त्री की और एक मनुष्य की, एक पुरुष की और स्त्री की बॉडी एक समान होती है, उसी प्रकार एक बॉडी के समान वो लग्न है। और राशि हमारे व्यक्तित्व को, हमारी सरलता को, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारा माता के साथ व्यवहार के साथ, पिता के साथ व्यवहार के साथ, वो राशि और ग्रहों के भाव बताते हैं। जब भी हम कुंडली दिखाने जाएंगे तो वो ज्योतिषी के पास जब भी हम कुंडली दिखाने जाएंगे तो ज्योतिषी लग्न पे नहीं, वो राशियों के ग्रह अनुसार और राशियों पे आधारित राशि पूरी जन्म कुंडली आपको बताएगा। सिर्फ एक ही लग्न देख के ही आपको राशि पूरी जन्म कुंडली नहीं बताएगा। इसलिए लग्न सिर्फ हमारे व्यक्तित्व की एक आकृति है, एक स्थिर स्वभाव हो गया, एक बॉडी हो गई, किंतु उसमें जो राशि और जो ग्रह गोचर अनुसार उसका व्यक्तित्व, उसका जीवन दर्शाता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका जीवन कैसा है, उसका माता के साथ व्यवहार कैसा है, पिता के साथ व्यवहार कैसा है। राशि हमारा भविष्यकाल, भूतकाल, वर्तमान को दर्शाती है। लग्न एक स्थिर स्वभाव है, राशि हमारा भूतकाल, भविष्यकाल को दर्शाती है। जब भी हम मिलान करने जाते हैं, आपने देखा होगा, जब भी हम मिलान करने जाते हैं किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो लग्न नहीं मिलाता, वो राशि पूछता है। राशि और नक्षत्र के आधार पर ही वो मिलान करता है। तो राशि और लग्न का ही महत्व माना जाता है। लग्न तो एक ही स्वभाव की, एक ही तरीके से हो गई, किंतु जो जो स्थान पे, जिस स्थान पे जो जो भाव में ग्रह स्थित है उसी प्रकार उसका व्यक्तित्व और उसका जीवन होगा।
हमारे भविष्य काल भूतकाल को दर्शाता है। तो इसी प्रकार आप जब भी राशिफल देखिए, किसी भी चैनल पे, किसी भी टीवी में या किसी भी यूट्यूब में आप राशिफल देखिए, तो कृपया राशि से ही देखिए। ये राशिफल ग्रह गोचर अनुसार और राशि के अनुसार होता है, लग्न के अनुसार नहीं होता है। तो जब भी आप राशिफल देखिए, राशि के अनुसार देखिए। अब मैं आप सभी को जुलाई माह का वृश्चिक राशि वालों के लिए ये माह कैसा क्या जाएगा मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। वृश्चिक राशि वालों के इस समय व्यक्तित्व जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने के पूर्ण योग इस समय आपको प्राप्त होंगे। इस समय आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो आपको इस समय ऊंचा पद इस समय प्राप्त हो सकता है। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है तो आपको गवर्नमेंट संबंधित इस समय सम्मान प्राप्त हो सकता है। व्यक्तिगत जीवन में सुख समृद्धि का माहौल रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उसके साथ आपका कॉन्फिडेंट लेवल और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ेगा जिसकी वजह से आप अपने कार्य अच्छे से सुख संपन्न कर पाएंगे, जिससे परिवार जन आपसे प्रसन्न रहेंगे, सुख समृद्धि का वातावरण रहेगा। नए मकान नए वाहन का इस समय योग बन सकता है। इस समय विद्यार्थियों के लिए शुभ फलदायक साबित होगा। इस समय अगर वृश्चिक राशि वालों का इस माह कोई रिजल्ट आने वाला है या कोई जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं या कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको इस समय शुभ फलदायक साबित होगा। शुभ परिणाम इस समय सबसे ज्यादा लाभकारी इस समय आपको साबित होगा। इस समय गृहस्थ जीवन में जो तनाव चल रहे थे वो पूर्ण रूप से समाप्त होंगे। पत्नी आपके पक्ष में होंगी, ससुराल वाले आपके पक्ष में आएंगे, ससुराल वाले आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, भांजे भांजियों से इस समय मुलाकात हो सकती है। पेट संबंधित थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, खान पीन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, और जो मेहनत परिश्रम आपने की है इसका फल आपको अब तक प्राप्त नहीं हुआ है वो इस जुलाई माह में आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। सुख समृद्धि का वातावरण रहेगा। माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य में चिंता का विषय बन सकता है। जो शत्रु आपके छुपे हुए थे वो आपके समीप होंगे, आपके समक्ष होंगे, और आपके वो शत्रु ही आपके मित्र बन जाएंगे। जो पैतृक संपत्ति या कोर्ट कचेरी संबंधित कोई मामला चल रहा है तो पूर्ण रूप से आपके पक्ष में आने के पूर्ण संकेत प्राप्त हो रहा है। और भाग्य के लिए इस समय भाग्य के लिए विकास पूर्ण योजनाएं बनेगी, भाग्य के लिए इस समय ऐसी योजनाएं बनेगी जिससे आपको भविष्य में जो सुख समृद्धि जो वातावरण आपका शुद्ध हो, इस कारण की आपकी भाग्य उन्नति पूर्ण विकास पूर्ण योजनाएं इस समय बनेगी। व्यापार में जो अधिक समय से परेशानी और जो तंगी चल रही थी, जो प्रॉफिट जो मार्जिन नहीं हो पा रहा था वो इस पूरे माह आपको प्राप्त होगा। इस समय बिजनेस में चार चांद लगने के योग आपको प्राप्त होंगे। जो बिजनेस में आपकी जो परेशानी चल रही थी, जो बिजनेस को आप बंद करने का सोच रहे थे वो इस समय इस बिजनेस को बंद ना करके, जो जॉब का सोच रहे थे बिजनेस को बंद करके जॉब में आप लगने का सोच रहे थे इस ख्याल को आप छोड़ दे, क्योंकि यही बिजनेस इस समय चार चांद लगाएगा। इस बिजनेस में है इतना प्रॉफिट इतना मार्जिन होगा जिससे आपको इससे नया बिजनेस खोलने के इतने पैसे आपको इससे प्राप्त हो जाए। इस समय विदेश जाने के योग भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। जॉब वालों के लिए प्रमोशन और सैलरी बढ़ने के पूर्ण योग प्राप्त होंगे। बॉस से जो निराशा चल रही थी, जो कोई ना कोई परेशानी चल रही थी पूर्ण रूप से समाप्त होगी। बॉस इस समय आपके पक्ष में होंगे। सीनियर जो आपके परेशानी उत्पन्न कर रहे थे, सीनियर इस समय आपके पक्ष में हो जाएंगे। जो आपका इस समय बड़ा अधिक धन लाभ भी हो सकता है, किंतु पिता के माध्यम से इस समय बड़ा अधिक धन लाभ होगा और पत्नी के माध्यम से भी इस समय बड़ा अधिक धन लाभ होगा। खर्च थोड़ा अधिक बढ़ सकता है, किंतु पत्नी ही इस समय खर्च पे अंकुश लगाएगी। पत्नी के सहयोग से ही इस समय खर्च नियंत्रित पे रहेगा, इसलिए पत्नी की बात माने, पत्नी के सहयोग से ही चले। प्रेम संबंध वालों के लिए इस समय जिनके प्रेम संबंध चल रहे हैं वो विवाह में परिवर्तन होने का समय है। ये वृश्चिक राशि वालों के लिए विवाह में परिवर्तन होने का समय। जो अविवाहित लोग हैं उनके विवाह हो जाएंगे। जिनकी बात चलते चलते रुक जाती थी, टल जाती थी, कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न हो जाती थी वो पूर्ण रूप से समाप्त होगी। इस जुलाई माह में वृश्चिक राशि वालों का पूर्ण रूप से विवाह संबंध जुड़ जाएगा। इस समय आपके विवाह का, आपके नए बिजनेस का, और जो लोग विद्यार्थी लोग हैं उनके परीक्षा या कोई अच्छा जॉब का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो सभी चीजों में पूर्ण रूप से सफलतादायक वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय रहेगा। मैंने आप सभी को वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई माह का मासिक राशि फल 2021 का मैंने आप सभी को बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी के प्यार स्नेह के कारण ही मैंने साप्ताहिक राशिफल, डेली हॉरोस्कोप, मासिक राशिफल और
ज्योतिष सिखाने का 1 जुलाई 2021 से आप सभी के लिए ज्योतिष सिखाने के वीडियोस लेकर आ रहा हूं, जिससे आप अपनी समस्याओं के साथ दूसरी की समस्याओं का भी समाधान पूर्ण रूप से कर पाएंगे, जिससे कई लोगों के लोग 1% लोगों के पास जाते हैं जहां ज्योतिष को अंधविश्वास में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से लोग उनको अंधविश्वास में लेने लगते हैं कि ज्योतिष एक अंधविश्वास है, ज्योतिष को मान्यता नहीं मिल पाती। ज्योतिष एक सम्माननीय एक शास्त्र ज्ञान है। ज्योतिष को जानने वाला व्यक्ति एक सम्माननीय व्यक्ति कहलाता है, वो पूजनीय व्यक्ति है। तो इसलिए ज्योतिष को जानने वाला व्यक्ति सम्माननीय व्यक्ति है। इसलिए ज्योतिष कोई आम चीज नहीं है, महत्वपूर्ण विषय और शास्त्र ज्ञान है वो। तो इसलिए ज्योतिष क्या है, ज्योतिष के बारे में सब मैं आपको 1 जुलाई 2021 से बताऊंगा। तो इस वीडियो से आप अवश्य जुड़े, इससे आगे जाके ज्योतिष के आगे जाने वाली जो पीढ़ियां हैं, ज्योतिष विलुप्त होते जा रहा है, ज्योतिष का एक तरीके से जो विलुप्त हो रहा है, वो आगे वाली पीढ़ियां इस ज्योतिष को जान पाएगी। इसलिए इन सभी वीडियो को आप अवश्य देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे उनकी सारी समस्याओं का समाधान पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके और उन्हें पूर्ण रूप से मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।